शादी के 3 महीने बाद ही दिया बच्चे को जन्म। परेशान पति ने लिया ये खौफनाक कदम। कर्नाटक के बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ की एक महिला ने शादी के 3 महीने बाद ही एक बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन एक बात से परेशान पति ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जानकारी के मुताबिक मदनायकन हल्ली के रहने वाले राजू और सुषमा की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी और बाद में दोनों में प्यार हो गया। इस बीच सुषमा गर्भवती भी हो गई थी। हालांकि 6 महीने बाद ही घर वालों की मर्जी से दोनों ने शादी कर ली और बाद में सुषमा ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। शादी के बाद से ही राजू एक बात से अपनी पत्नी से परेशान रहने लगा और एक दिन वो इतना परेशान हो गया कि उसने गुस्से में आकर पत्नी और अपने 3 महीने के बेटे की जान ले ली। बाद में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह घटना बेंगलुरु के रामनगर जिले की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति ने बताया कि वो अपनी पत्नी से परेशान हो गया था क्योंकि वो हर वक्त फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगी रहती थी और अनजान लोगों से चैटिंग करती थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐसी खोई रहती थी कि उसके पास घर की साफ सफाई, खाना बनाने और अपने 3 महीने के बेटे के लिए भी वक्त नहीं होता था। समझाने पर भी वो किसी की बात नहीं सुनती थी। पत्नी को लगी सोशल मीडिया की लत से परेशान होकर 20 जनवरी को राजू अपनी पत्नी और बेटे को बाइक से लेकर जंगल की ओर गया और पत्थर से मार मार कर उसकी हत्या कर दी और बाद में बाइक से पेट्रोल निकाल कर उसे आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने 3 महीने के बेटे की भी गला दबाकर हत्या कर दी और उसे भी जंगल में फेंक दिया। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब वन विभाग के एक कर्मचारी ने जंगल में एक अजली लाश देखी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और शक के आधार पर पति राजू को पकड़ लिया। बाद में उसने घटना के बारे में सारी सच्चाई बताई। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए